Hello, what's up people? Welcome back to my YouTube channel. और होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपका भाई भी अच्छा है. और आज है संडे, तो आज हम लोग एक और मोटो ब्लॉग करने वाले हैं. और ये मेरे पीछे नज़ारा देखो मेरे दोस्त, ये देखो आपका भाई कहाँ है. तो आज का कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, तो अभी हम लोग प्रॉपर सुखना पार कर चुके हैं और कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे देख सकते हो. तो आज का कोई डेस्टिनेशन तो फिक्स नहीं है, तो यहाँ से हम लोग राइड करेंगे आगे. तो चलो आज का मोटो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं. यहाँ से प्रॉपर हम लोग टारगेट तो नहीं रखेंगे कि किधर जाएंगे, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं पंखाबारी होते हुए आगे जाऊँगा. तो मेरा कुछ इस तरह का सेटअप है, तो यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे पंखाबारी के टूवर्ड्स. तो चेक करते हैं आगे, अच्छा अच्छा व्यू मिले तो फिर आपके सामने लेके आएंगे. तो चलो आज का मोटो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेट्स गो. तो यहाँ पे मौसम थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा ना क्लाउडी वगैरह, मतलब काला काला मेघ बादल खाया हुआ है काला काला. मुझे रिक्स भी लग रहा है बारिश हो सकता है. मुझे बारिश की बूंद हाथ पे मिला. तो हम लोग यहाँ से ना आगे जाके दो रास्ते मिलेंगे. आप लेफ्ट में जाओगे तो टूवर्ड्स मिरिक, और सीधा जाओगे तो साइड पंखाबारी रास्ता हो सकता है. तो हम लोग सीधा जाएंगे यहाँ से स्ट्रेट. आयो वीर गोरखा, यहाँ से वेदर यहाँ पे खराब है. क्योंकि आप चेक करते हो देखते हो, ये चेक करो गाइस यहाँ का व्यू, चाय बगान और फॉरेस्ट. अभी तक तो मौसम ठीक है, चाय बगान मेरे दोनों साइड चाय बगान और जंगल, बीच में ये रोड, और थोड़ा सा यहाँ बारिश की बारिश तो हुआ लग रहा है. बारिश हो के भी फिर थम गया लग रहा है क्योंकि रोड पूरा भीगा हुआ है बारिश से, पानी पानी है तो रोड. और पहाड़ी रीजन में बारिश ना अभी कभी भी हो सकता है. बारिश तो हुआ है यार, तो मुझे अच्छा खासा बारिश देखने को, अच्छा खासा बारिश मिल रहा है मेरे को. अगर इस हिसाब से बारिश हुआ तो मेरे को रिकॉर्डिंग भी ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे में ना पानी जाने से भी लेने का दिन हो जाएगा. तो थोड़ा सा आगे जाते सुबह था और फिर से यहाँ बारिश शुरू. भाई ये चेक कर गाइस, इतना बड़ा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा था यार. ओह माय गॉड, ये चेक कर गाइस कितना बड़ा पेड़ है. मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये चेक कर गाइस. बाप रे बाप कितना बड़ा पेड़ है यार, पेड़ मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा भाई अपने लाइफ में इतना बड़ा पेड़. और यहाँ पे कुंभा है, तो मैंने पत्नी पर कर दिया सकते, लेकिन ये पेड़ का साइज देखा.
रोड भी थोड़ा सा बिजी मिला मेरे को ये रोड ना बहुत शॉर्टकट है, बहुत ही कम टाइम लगता है आपको क्वेश्चन पूछने में बाकी दो रास्तों से, थोड़ा सा घुमा हुआ रास्ता है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। ये वाला रास्ता ना अगर आपको क्वेश्चन जाना हो ये रास्ता पकड़ लेना, रास्ता थोड़ा सा डेंजर है लेकिन आपको क्वेश्चन जल्दी पहुंचा देगा। बारिश न हो, चाय पीना आप लोग को इस कप में देखो मौसम खराब हो गया भाई फिर से, यहाँ पे देखो कोरा ही कोरा, पूरा कोरा, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे टर्निंग पे होगा सा सिंबल कर चले, नूसा वाटरफॉल देखो रास्ता चेक कर गाइस, देखो चाय का कप, ये देखो पैंथर पार्क, तो यहाँ पे पैंथर मिलता है क्या, ब्लैक पैंथर, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे है। अच्छा त्यो गिद्धे पार्क डियर पार्क, अन्त एउटा त के छ नि त्यो फरेस्ट के अरे डन हिल के डबिल डबिल यही साइड है, यता यो रोड सिधा 3 किलोमिटर हुन्छ त हुन्छ। अच्छा त्यसको रोड चाहिँ यताबाट फेरि फर्किनु पर्ला मलाई है, यताबाट चाहिँ म डियर पार्क त्यो पाउँछ यता यो रुट है सिधा डाइभर्सन छ फेरि हजुर थ्याङ्क यू को पूछा मैंने, तो रोड यही है आगे फिर एक डाइवर्सन मिलेगा अपने को, तो इट्स ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर हो गया डियर पार्क और जॉगिंग चला। मौसम तो ऐसे ही रहेगा भाई, कुछ कर नहीं सकता कि अभी
बारिश का टाइम ही है तो द डियर पार्क कतार जान्छ डियर पार्क यो रोड हो त्यो एउटा दोकानदेखि यता भन्नु यहाँबाट चाहिँ घुम्नु पर्छ हो र म छोडेर दिदीले भन्दै थियो यता बाटो खराब छ यताबाट जानु भन्यो नि त मलाई लङ पर्छ है यहाँबाट गयो भने चाहिँ यहीँबाट जान्छु है हुन्छ त यहाँ से पकड़ते हैं ये वाला रोड यहाँ पे बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा मेरे भाई फिर से बारिश ये वाला रोड पकड़ते मेरो दिन बर्बाद भाई सो मच कंफ्यूजन है यार क्या क्या है यार इधर कहाँ जाता है देखो वेलकम व्हीकल्स आर नॉट अलाउड विद इन टाउन हिल स्कूल ऑफिशियल इधर से जाते हैं कुछ लिखा वहाँ बोर्ड पे और चुकर श्यामला नहीं तो बंद है यार कहाँ फंस गया आपका भाई इधर जाके देखते यहाँ पे तो यहाँ पे तो सारा रोड बंद है यार कहाँ से जाएगा आदमी पहाड़ की यहाँ पे हो गया सर्वनाश रोड वही पकड़ना पड़ेगा अपने को क्योंकि दोनों तो रोड क्लोज्ड है ये भी रोड क्लोज है वो भी रोड क्लोज्ड है पता नहीं भाई हम लोग कहाँ आ गए चलो 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 इसे वही रास्ता पकड़ सीधा चलते हैं ऊपर याद मा तिम्रो फेरि चलो चलो यहाँ से ऊपर चलते ओ भाई आज तो ठीक है किसी को पूछते आगे डाउन हिल फॉरेस्ट तो छूट गया बोलता हूँ यहाँ पूछते भाई डियर पार्क जान से बड़ा डियर पार्क कि छुट्यो छुट्यो त्यो डाउन हिल डाउन हिल के फरेस्ट पनि छुट्यो मन्दिर होइन एउटा दोकान पनि थियो सानो ल कता हो नि है रोलर हो र म चिदीले चाहिँ भने माथि कता हो तर म त यादै गरिनँ त छुट्टेछ है कच्ची रोड कच्चा रोड निकट माथि हो त्यो चाहिँ पुग्नु पुग्छ डियर पार्क यहाँदेखि अलिकति अगाडि गएर जानु पर्यो भित्र क्यामेरा स्यामेरा सब बिर्सेँ मेरो कता जुन जाउँ भयो म त ओगरालो फर्क्यौँ कि यताबाट जाउँ कि अब पानी परेर फेरि यता त छैन सुनसान गाडी त छैन है
यहाँ सिधै भन्छ कहाँ पुग्छ सिलगढी हो र म सिलगढी राख त्यतै जाउँ कि भने बिजे पुरा म त्यतिका सो गाइस आइका हालत हो गया इधर खराब बारिश बारिश क्या अभी वो ये वाला रोड ये वाला चक्कर गाइस काली मंदिर तो मैं थोड़े ब्लाउज पहन लेता हूँ मैंने ब्रेक ले लिया भाई एक्चुअली यहाँ पे मैं रास्ता पूछते पूछते परेशान हो गया सो टाइम अपडेट इट्स 1:55 तो बस कुछ देर और उसके बाद में हम लोग डियर पार्क पहुँच जाएंगे तो यहाँ से निकलते हैं नीचे की ओर रास्ता तो यही है मैंने पूछा था तो यहाँ पे काली मंदिर ये चक्कर इसका कुछ इस तरह का यहाँ डियर पार्क कर फोटो नहीं है मेरे भाई बच्चा लोग के लिए इधर से पार्क शुरू हो गया इधर खत्म वहां पे खरगोश वरगोश है देखते हैं आ जाओ खरगोश है वहां पे नमस्ते है नहीं यहाँ पे बारिश भी आ सकता है और टाइम अपडेट इट्स 2:00 दिन के बज चुके हैं 2 और ये डियर पार्क तो यहाँ से निकलते हैं अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं वन ऑफ द हंटेड जंगल टाउ हिल ठीक है तो यहीं से हम लोग नीचे जाएंगे टाउ हिल होते हुए क्रॉसिंग उसके बाद में फिर रिटर्न ओके मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ सिलगढ़ी की तरफ वापस कोई अच्छा व्यू नहीं मिला आज कैमरा चेक रिकॉर्डिंग सो गाइस चेक आउट करो ये चेक दिस व्यू अभी हम लोग है प्रॉपर डाउन हिल बोला जाता है इसको तो आप सर्च करना डाउन हिल कर्शन आप नेट पे सर्च करोगे तो वन ऑफ द हंटेड प्लेस बोला जाता है इसको से हम लोग जाएंगे नीचे कृष्ण की तरफ यहाँ का कुछ इस तरह का भी आप चेक करो तो ये रहा रास्ता चेक करो आराम आराम से जाएंगे हाँ यो मत वो बाटो बिग्रेको माथि राम्रो छ म त यो बाटो छोडेर माथिबाट आएको एकैचोटि पुरानो बाटो
चेक करो गाइस, इसी को बोलता है डाउन हिल फॉरेस्ट। यहाँ पे अपना भाई लोग का फोटो स्टेशन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से उठते रिटर्न टूवर्स क्रशिंग। यहाँ से क्रशिंग जाने बात तो ये हो इतना बड़ा खतर साजिलो इधर साजिलो। हम लोग यहाँ से निकलते हैं स्कूल चक्कर। देखो ये चक्कर गाइस, स्कूल डाउन हिल स्कूल क्रॉसिंग ने चक्कर। कितना खूबसूरत स्कूल ये चक्कर। वीडियो आ रहा कि नहीं? तो रोहिणी वाला रोड हो यो रोड रोहिणी है हैन कुन चाहिँ भन्दा रोहिणीको रोड चाहिँ अगाडि यहाँबाट भन्छ कहाँ पुग्छ हैन कहाँ पुग्दैन नि दा यहाँ हैन म सिलगढी झरेको यो रोड सिधा त पुगिहाल्छ सिलगढी हैन हजुर त्यहाँ रोहिणी त्यता अगाडि गयो भने चाहिँ उयो तिनधारे घयाबारी भएर होइन रोहिणी भन्दा तर तिनधारेबाट राम्रो रोड होइन लामो पर्छ तर भ्यूहरू चाहिँ राम्रो पर्छ होइन कहाँ यो रोड लास्ट टाढो होला नि त होइन कति लाग्छ टाइम हो र अच्छा अच्छा त्यहाँसम्म पुगेर आउँछु म त्यसो भए है कताबाट यो मुनिबाट अच्छा त्यताबाट त्यो रोड है सिलगढी ओह्रालो है यहाँबाट हेरिबस्छ ल म पुग्छु पुग्दिनँ अरे हा केटा यहाँबाट हेर्दै बस्छ ल म पुग्छु पुग्दिनँ एक राउन्डमा आएर आउँछु ल यहाँ से सीधा जाएंगे तो कहाँ पहुँचेगा अच्छा वहीं से तो आए ही हम अच्छा पंखाबाड़ी रोड से यहाँ से नेपाल का तो व्यू नहीं दिख पाएगा। हाँ
बाकी आपको वहाँ से अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे ट्रैफिक बूथ से आप थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे ना, लेफ्ट लेते थोड़ा सा आगे जाएंगे नेपाल का यहाँ बाकी जीरो पे ना। घूमने के लिए आए तो चिमली जाए, चिमली देवराली तो उस साइड जाइए। तो वो तो हम होके आए ये डाउ हिल चिमली और थोड़ा ध्यान से जाइएगा। ये तो हम वैसे गाड़ी तो चल रही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया है थोड़ा सा, लेकिन चले जाएंगे। कैसे जाता हूँ ना फिर? नहीं जाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। घर भी है बीच बीच में, व्यू भी अच्छा है, तो झरने भी हैं, सब कुछ है। झरने मिलेंगे आपको यहाँ, वाटरफॉल भी मिलेगा अच्छे अच्छे, मतलब यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। सिलीगुड़ी का भी मिलेगा, बागडोगरा एयरपोर्ट का भी मिलेगा, हर जगह भी मिलेगा। यहीं से ये रास्ता सीधा जी मकई बड़ी टी फैक्ट्री से सीधा आराम जाते रहिए, सब सिलीगुड़ी जा रहे हैं। ओके थैंक यू। हो चुका है गड़बड़। चलो यही रास्ता पकड़ते, सबको इधर से जा रहा है, जो जाना था उधर। थोड़ा सा ऊपर से अगर व्यू दिखाई देता ना तो मस्त लगता यार। तो कुछ इस तरह का व्यू यहाँ पे। इस तरह का भी और थोड़ा सा धूप मिलता हुआ अपने को यहाँ। अपने को यहाँ पे दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन मिलता हुआ, ये दार्जिलिंग से वापस एनजीपी की ओर आया है, देख पा रहे होंगे आप। ये रहा आगे जा रहा है, ये चेक करवाइस टॉय ट्रेन, क्योंकि एनजीपी टू दार्जिलिंग का चलता है। आज भी आपको टॉय ट्रेन देखने को मिला, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी। सो गाइस मैं वीडियो को यहीं पे स्विच ऑफ करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मोटो ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज विक्की साइनिंग आउट। बाय बाय।